दोस्तों बीते पिछले कुछ सालों में स्टिंग एनर्जी ड्रिंक ने हमारे भारत देश में एक काफी बड़ा मार्केट बना लिया है। दोस्तों इस ड्रिंक ने रेड बुल जैसे काफी बड़े ब्रांड को पीछे छोड़कर अपनी मार्केट में काफी ज्यादा वैल्यू बढ़ा ली है। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक करा है तो आपने ये ड्रिंक कभी ना कभी तो जरूर पी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि इस ड्रिंक को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? और इस वीडियो के जरिए आप इस ड्रिंक की कुछ ऐसे काले राज जानेंगे जो कि सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों स्टिंग एनर्जी ड्रिंक को सबसे पहली बार वियतनाम में 2002 में पेप्सिको के माध्यम से लॉन्च किया गया था। दूसरा स्ट्रिंग एनर्जी ड्रिंक एक पेप्सिको का प्रोडक्ट है। जी हाँ, वही पेप्सिको जो कि स्लाइस, माउंटेन ड्यू, सेवन अप, पेप्सी जैसे बोटल्स बनाती है। दोस्तों 2017 में भारत में पहली बार स्ट्रिंग एनर्जी को लॉन्च किया गया। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि स्ट्रिंग एनर्जी ड्रिंक को फैक्ट्रीज में कैसे बनाया जाता है। दोस्तों स्ट्रिंग एनर्जी ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्री में एक कार्बोनेटेड वाटर को तैयार किया जाता है। लेकिन ये कार्बोनेटेड वाटर क्या होता है? दोस्तों दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड और जब हम पानी को एक साथ मिलाते हैं तो हमें कार्बोनेटेड वाटर मिलता है। और इस ड्रिंक की पानी का क्वालिटी का भी काफी ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि इस पानी में कोई बैक्टीरिया या फिर फंगस तो नहीं। इसके बाद बहुत सारे पानी को फिल्टर करके एक बड़े से टैंक में डाल दिया जाता है। अगर हम इस ड्रिंक की इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इस ड्रिंक में काफी ज्यादा इंग्रेडिएंट्स ये कंपनियां मिलाती हैं, जैसे कि शुगर, सिट्रिक एसिड, आर्टिफिशियल कलर, आर्टिफिशियल फ्लेवर, सोडियम सिट्रेट, सोडियम हेक्सामोर्फेट, पोटेशियम सोर्बेट, पोटेशियम बेंजोइड और सबसे जरूरी कैफीन। दोस्तों इस ड्रिंक में सबसे ज्यादा भर भर के कैफीन होता है। जी हाँ, इसी कैफीन की वजह से इस ड्रिंक को एनर्जी ड्रिंक कहा जाता है। दोस्तों इस कैफीन से हमारी ब्रेन की एनर्जी बढ़ जाती है, वो भी सिर्फ टेम्परेरी। और ज्यादा कैफीन होने की वजह से ये हमारी सेहत पर बुरा प्रभाव भी डाल सकती है। दोस्तों फिर इसके बाद इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर एक सिरप टाइप बना लिया जाता है और इस सिरप को उस कार्बोनेटेड वाटर जो हमने सबसे पहली बार बनाया था उन दोनों के साथ मिक्स कर दिया जाता है। और मशीन की सहायता से इन सब इंग्रेडिएंट्स को कार्बोनेटेड वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाता है और फैक्ट्री में भी इस स्ट्रिंग ड्रिंक की क्वालिटी और टेस्ट कर ली जाती है। तो दोस्तों हमारी ड्रिंक तैयार है, अब इसकी बारी आती है इसको बॉटल में फिलअप करने की। दोस्तों काफी बड़ी बड़ी मशीनों के सहारे एक काफी बड़े अमाउंट में इस स्ट्रिंग बॉटल पर स्ट्रिंग एनर्जी ड्रिंक फिल कर दी जाती है और फिर ये स्ट्रिंग की इतनी सारी बॉटल एक कन्वेयर बेल्ट की तरफ से जा रही होती है और उन बॉटल्स में धीरे धीरे कंपनी अपनी ब्रांड और लेबलिंग चिपका देती है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारी स्ट्रिंग की ये बोतल या फिर ड्रिंक मार्केट में जाने के लिए तैयार है। तो चलिए अब हम इस वीडियो में बात करते हैं कि हमें ये एनर्जी ड्रिंक ज्यादा पीना चाहिए या फिर नहीं, और ये एनर्जी ड्रिंक पीने से हमारे शरीर में किस तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। जैसा कि हमने सबसे पहले देखा कि इस स्ट्रिंग ड्रिंक में कैफीन सबसे ज्यादा मिलाया जाता है। तो चलिए कैफीन के हम फायदे और नुकसान के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों कैफीन लेने के बाद हमारे शरीर में कुछ समय के लिए हमारे नर्वस सिस्टम और ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। दोस्तों ये कैफीन की छोटी डोज हमारे शरीर को फ्रेश फील करवाता है, लेकिन इसको साइड में रखते हुए हम इसके नुकसानों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आप इसके नुकसानों के बारे में सुनकर दंग हो जाओगे। दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि कैफीन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग ड्रिंक में पाया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कैफीन लगभग सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स में पाया जाता है जो कि हम दिन ब दिन कंज्यूम करते हैं। और दोस्तों इवन ये कैफीन हमारी रोज की चाय और कॉफी में भी पाया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं इससे बनने वाली बीमारियों के बारे में। दोस्तों ज्यादा कैफीन लेने से हमारे शरीर में क्रॉनिक डिसीजेस हो सकती हैं। आखिर ये क्रॉनिक डिसीज क्या होती है? तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों दरअसल क्रॉनिक डिसीज के काफी ज्यादा टाइप्स होते हैं, जैसे कि स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हार्ट डिसीजेस, डायबिटीज और सबसे खतरनाक कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। दोस्तों इस ड्रिंक में कैफीन के अलावा और भी ज्यादा कुछ मिला रहता है, जैसे कि शुगर। दोस्तों शुगर हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक होती है। तो दोस्तों हम बात करते हैं इस स्ट्रिंग की बोतल में आखिरकार कितनी शुगर मिली होती है। दोस्तों अगर हम बात करें 250 ml स्ट्रिंग की बोतल में 17 ग्राम शुगर होती है। और दोस्तों अगर हम WHO की माने तो हमें दिन में सिर्फ 20 से 25 ग्राम ही शुगर कंज्यूम करनी होती है। अगर हम उससे ज्यादा शुगर कंज्यूम करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा बीमारियां हो सकती हैं। और दोस्तों आगे चलते हैं तो एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार एक 13 साल के बच्चे की मौत ये सिर्फ एनर्जी ड्रिंक पीने से ही हुई है। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ और सिर्फ ये एनर्जी ड्रिंक्स पीने की वजह से। दोस्तों उस बच्चे के पेरेंट्स का कहना है कि उसका बच्चा रोज 1 से 2 स्टिंग की बोतल रोज पिया करता था और उसकी वजह से उसके शरीर में ब्लड शुगर लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया था, जिस वजह से उस लड़के की मौत हो गई।
और तो और अगर आप स्ट्रिंग की बोतल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस स्ट्रिंग की बोतल में साफ साफ लिखा है कि आपको दिन भर में कितनी स्ट्रिंग पीनी चाहिए, कि हर रोज आधे लीटर से भी ज्यादा स्ट्रिंग बिल्कुल भी ना पिए। तो दोस्तों आपको ये इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक की काली सच्चाई तो पता चल गई होगी। तो अगर आपको इस वीडियो में मजा आया तो इस वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।